So, hello guys, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। इसका नाम द बी स्पोर्ट्स, क्या बोलता है फुटबॉल से लेकर ट्रांसफर रूमर्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के बारे में। तो आज ये मैच इंडिया वर्सेस कतार का एंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच इंडिया के लिए। बेसिकली जितने भी रिमेनिंग तीन मैचेस है, सारे ही मैचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एंड एक डू और डाई मैच है हर एक मैच, क्योंकि इंडिया को अगर टॉप थ्री में जाना है, मतलब बेसिकली थर्ड पोजिशन में जाना है, तो उनको हर एक मैच एटलीस्ट ड्रॉ या फिर दो मैचेस जीतना पड़ेगा। सो डेफिनेटली कतार के अगेंस्ट में इंडिया चाहेंगे कि वो एक ड्रॉ एटलीस्ट एक पॉइंट ले सके। एंड इस मैच चिंगलन साना सिंह एंड रोलन बोर्जेस नहीं खेल पाएंगे ड्यू टू इंजरी। तो मेरे हिसाब से चिंगलन साना सिंह के बदले में आदिल खान एंड रोलन बोर्जेस के जगह में ग्लेन मार्टिन्स को मौका दिया जाएगा एंड ग्लेन मार्टिन्स नेशनल टीम का होकर अपना पहला मैच खेलेंगे, क्योंकि ग्लेन मार्टिन्स का रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा कमाल का है। सो अटैक में मेरे हिसाब से डेफिनेटली बिपिन सिंह, सुनील छेत्री एंड मनवीर को मौका मिलना चाहिए एंड हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, बट मेरे हिसाब से यही तीन प्लेयर्स को अटैक में मौका मिलना चाहिए। एंड मिडफील्ड में ब्रैंडन फर्नांडिस, अपुया एंड ग्लेन मार्टिन्स बहुत ही ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन होगा ये। एंड डिफेंस में मेरे हिसाब से संदेश झिंगन एंड चिंगलन साना सिंह होते तो ज्यादा बढ़िया होता, बट आदिल खान है एक्सपीरियंस डिफेंडर। एंड राइट बैक में मेरे हिसाब से प्रीतम कोटाल एंड लेफ्ट बैक में मेरे हिसाब से आकाश मिश्रा को मौका मिलना चाहिए, बट हो सकता है बिकॉज ये मैच कतार के अगेंस्ट में है सो सुभाषीष बोस को मौका दिया जाए, क्योंकि उनका डिफेंसिव एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़िया है। एंड गोलकीपर में एज ऑलवेज गुरप्रीत सिंह संधू, नो डाउट। सो हाँ, इंडिया का नेशनल टीम में बहुत सारा चेंजेस है एंड इससे पहले जब वो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस खेल रहे थे एंड अब जब वो खेलेंगे, टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस है एंड मेरे हिसाब से बिपिन सिंह को मौका मिलना चाहिए एंड ग्लेन मार्टिन्स एंड ब्रैंडन फर्नांडिस, इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंड ग्लेन मार्टिन्स का तो एक तो रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा है एंड अपुया का वहां पे एक कमाल का सपोर्ट मिलेगा इन दोनों प्लेयर्स को। सो डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया टीम है, बट कतार बहुत ही ज्यादा टॉप टीम है, नो डाउट। अगर इस मैच से एक पॉइंट भी इंडिया ले पाते तो ये काफी ज्यादा बढ़िया बात होगा, बट हाँ इजी तो बिल्कुल नहीं होगा। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि ये मैच कौन जीतेगा इंडिया वर्सेस कतार, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सिलेक्शन इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो नॉर्थ ईस्ट ने इंटरेस्ट दिखाया जॉबी जस्टिन के ऊपर। तो जॉबी जस्टिन जो कि एक सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर, इनका एज 27 एंड एटीके मोहन बगान के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट 2022 तक है, बट हवास इतना इजीली जॉबी जस्टिन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हवास के लिए जॉबी जस्टिन का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ सब्स्टिट्यूट। सो मेरे हिसाब से हाँ, जॉबी जस्टिन डेफिनेटली फर्स्ट 11 में अगर उनको मौका मिलता है तो उनका गेम भी ज्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि मैंने उनका परफॉर्मेंस आई लीग में देखा है एंड आई लीग के टॉप स्कोरर रह चुके हैं, इंडियन टॉप स्कोरर। सो उनको अगर प्रॉपर मौका मिलता तो शायद उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता, बट एटीके मोहन बगान में बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा क्लोज रहता है तो इसी के कारण उनको नहीं मिला उतना मौका, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूट उनको डेफिनेटली मौका मिला है एंड एज अ विंगर भी उनको खेला गया है, क्योंकि उनके पास एक काफी बढ़िया पेस है। सो हो सकता है कि वो नॉर्थ ईस्ट में जाए, बट हाँ अगर नॉर्थ ईस्ट जॉबी जस्टिन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो उनको एक ट्रांसफर फी देना पड़ेगा एंड अगर हर चीज सही रहे तो मेरे हिसाब से शायद एटीके मोहन बगान, जॉबी जस्टिन और एक अच्छा खासा ट्रांसफर फी नॉर्थ ईस्ट को दे इन एक्सचेंज ऑफ अपुया, वो भी एक ऑप्शन है एटीके मोहन बगान के पास, क्योंकि अपुया के लिए मेरे हिसाब से जॉबी जस्टिन को एटीके मोहन बगान छोड़ देंगे। सो देखते कि क्या फाइनली जॉबी जस्टिन एटीके मोहन बगान छोड़ के कोई दूसरे क्लब में जाते हैं नहीं। सो इसी तरह जमशेदपुर एफसी की तरफ से, तो जमशेदपुर एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया पीसी लालडिन पुया के ऊपर। तो पीसी लालडिन पुया जो कि एक सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर, इनका एज है 24 एंड इनका परफॉर्मेंस आइजोल एफसी का होकर आई लीग में अच्छा रहा है और अच्छा हो सकता है डेफिनेटली, एंड जमशेदपुर एफसी में डेफिनेटली उनका रोल काफी एज अ सब्स्टिट्यूट ही होगा ज्यादा टाइम, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं। सो काफी हद तक मेरे हिसाब से ये एक अच्छा साइनिंग जमशेदपुर एफसी के लिए, क्योंकि एक अच्छे डिफेंडर है एज अ बैकअप प्लेयर लालडिन पुया को जमशेदपुर एफसी ने साइनिंग कंप्लीट करवाएंगे। अभी तक हुआ नहीं साइनिंग कंप्लीट, बट मेरे हिसाब से साइनिंग कंप्लीट हो जाएगा एक दो हफ्ते के अंदर एंड बहुत ही ज्यादा क्लोज है जमशेदपुर एफसी पीसी लालडिन पुया का साइनिंग कंप्लीट करने के लिए। एंड पीसी लालडिन पुया ने हर एक मैच खेला आइजोल का होके एंड उनको पूरा प्ले टाइम मिला एंड उन्होंने एक गोल भी किया है। सो अच्छे प्लेयर है पीसी लालडिन पुया, बट हाँ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रॉपर प्ले टाइम भी मिले एंड डेफिनेटली आईएसएल में अगर वो आते तो उनको एक एक्सपोजर तो मिलेगा ही, सो उनका गेम भी इंप्रूव होगा। सो देखने लायक होगा कि अगर वो जमशेदपुर एफसी में आते तो उनको कितना
प्ले टाइम मिलता है। सरक्षी दरबार एटीके मोहन बगान की तरफ से, तो एटीके मोहन बगान ने इंटरेस्ट दिखाया जैक्सन सिंह के ऊपर। एंड ये कंप्लीट र्यूमर है, मैं पहले ही बता दूं, ट्रांसफर मार्केट इंडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया है। सो हो सकता है जेन्युइन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट जैक्सन सिंह एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है, मिडफील्ड सेंट्रल मिडफील्ड पोजिशन में भी खेल सकते हैं, बट एटीके मोहन बगान को कोई जरूरत नहीं है जैक्सन सिंह का। अगर हम लोग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजिशन का बात करें तो ऑलरेडी लेनी रॉड्रिगस है, दीपक टंगरी का साइनिंग कंप्लीट किया एटीके मोहन बगान ने, एज अ फॉरेन प्लेयर कार्ल मैक्यू की उस पोजिशन में, मतलब तीन ऑलरेडी सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है। एंड सेंट्रल मिडफील्ड पोजिशन में एटीके मोहन बगान के पास बहुत सारे प्लेयर्स है, डेफिनेटली जैक्सन सिंह अच्छे प्लेयर्स है, बट जब ऑलरेडी एक टीम में इतने सारे अच्छे प्लेयर्स है तो मेरे हिसाब से जैक्सन सिंह का साइनिंग कोई सेंस नहीं बनाएगा। हाँ, हो सकता है एटीके मोहन बगान का मेरे हिसाब से अभी यही चीज है कि हम लोग अपनी टीम को स्ट्रांग तो बनाएंगे ही, चाहे एक प्लेयर को बेंच में बैठाना पड़े बट दूसरे टीम्स को वीक बना देंगे, ये एक मेंटेलिटी हो सकता है जो कि सिर्फ मुझे लगता है, मतलब सिर्फ तो मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मुझे ही लगता है, बहुत लोगों को लगता है, बट मुझे भी लगता है कि ये एक चीज हो सकता है। एंड अगेन जैक्सन सिंह कमाल के प्लेयर है, नो डाउट, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है जैक्सन सिंह, उनका साइनिंग किसी भी टीम के लिए काफी ज्यादा बढ़िया साइनिंग होगा अगर उस टीम को इस प्लेयर का जरूरत है। एंड मुझे लगता नहीं कि एटीके मोहन बगान का जैक्सन सिंह का साइनिंग करने के लिए कोई जरूरत है, ऑलरेडी है उनके पास दीपक टंगरी एंड मिडफील्ड में ऑलरेडी उनके पास काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। सो जैक्सन सिंह का साइनिंग मेरे हिसाब से ठीक है, अच्छा साइनिंग होगा, बहुत बड़ा साइनिंग होगा, बट क्या सेंस बनाएगा ये साइनिंग, ये काफी ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है। एंड चांसेस मेरे हिसाब से कम है, हो सकता है कि एक स्वैप डील हो कि सुसाई राज केरला में चले जाए एंड जैक्सन सिंह एटीके मोहन बगान में आए, बट मुझे लगता नहीं कि सुसाई राज को इतना इजीली एटीके मोहन बगान छोड़ देंगे, हबास के प्लान में सुसाई राज का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो देखते कि क्या जैक्सन सिंह एटीके मोहन बगान में आते हैं नहीं। सरक्षी दरबार एफसी गोवा की तरफ से, तो शिनजी ओकाजाकी एफसी गोवा में नहीं आने वाले, थोड़ा सा खराब न्यूज, बट एफसी गोवा बेसिकली एक स्पेनिश स्ट्राइकर को ही अपनी टीम में शामिल करेंगे एंड शिनजी ओकाजाकी एफसी गोवा में नहीं आने वाले। डेफिनेटली शिनजी ओकाजाकी वन ऑफ द फाइनेस्ट एशियन प्लेयर्स में से एक, एक टाइम पे तो टॉप 10 बेस्ट एशियन प्लेयर्स के लिस्ट में भी शिनजी ओकाजाकी का नाम आता था, बट अभी उनका रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, और बट ठीक है, अच्छे प्लेयर है नो डाउट, शिनजी ओकाजाकी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है एंड वो SDUS का छोड़ रहे, सो हो सकता है कि वो कोई दूसरे क्लब में जाए, बट हां डायरेक्टली एकदम स्पेनिश फर्स्ट डिवीजन से ISL में आना कोई भी प्लेयर प्रेफर नहीं करेगा, वो लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और जूनियर डिवीजन में रहे बट डायरेक्ट ISL में ना आए, मतलब जूनियर डिवीजन इन द सेंस कि यूरोप में ही रहे, डेनमार्क या फिर दूसरे ऐसे किसी कंट्री में जाए रैदर देन कमिंग इन इंडिया। एंड करंट सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है, वो लोग भी थोड़ा सा डरे हुए कि अभी वो इंडिया में आएंगे या नहीं। सो मेरे सबसे इंडिया का भी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है, तो धीरे धीरे फॉरेन प्लेयर्स भी एग्री कर जाएंगे इंडिया में आने के लिए एंड डेफिनेटली एफसी गोवा एक स्पेनिश स्ट्राइकर को साइन करेंगे, बट हाँ शिनजी ओकाजाकी उम्मीद करते कि इन फ्यूचर इंडिया में आए। तो इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल आज टॉटेनम हॉटस्पर्स, तो कोंते के साथ टॉटेनम एडवांस टॉक में बात कर रहे हैं एंड हो सकता है कि कोंते टॉटेनम के नए कोच बने एंड कोंते लीग जिताने में एक्सपर्ट एक कोच, बट टॉटेनम में क्या उनको एक प्रॉपर फ्री हैंड मिलेगा एंड क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो इन फ्यूचर पता चल ही जाएगा। डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा कमाल के कोच है कोंते नो डाउट, एंड अगर टॉटेनम उनको लाते तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज होगा, बट अगेन अगर उनको प्रॉपरली फ्री हैंड दिया जाए तो डेफिनेटली वो टीम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बट उनको कितना फ्री हैंड दिया जाएगा टॉटेनम में ये एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। एंड डेफिनेटली 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कोंते साइन करेंगे टॉटेनम के साथ, क्योंकि यूरोप में वैसा ही होता है, मिनिमम 3 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। सर देखते कि क्या कोंते टॉटेनम में आते हैं नहीं। सुरक्षित दरबार बार्सिलोना की तरफ से, तो बार्सिलोना के मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया है एंड जोआन लापोर्ते ने भी ये हिंट दिया था कि रोनाल्ड कोमन बार्सिलोना में ही रहने वाले, एंड क्योंकि ऑलरेडी जावी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है कतार के क्लब के साथ, सो एंड कतार इतना इजीली जावी को नहीं छोड़ेंगे, एटलीस्ट 2022 वर्ल्ड कप से पहले तो उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो पोर्ट्रे कर रहे, सो जावी अभी कतार छोड़ के नहीं आने वाले। एंड रोनाल्ड कोमन मेरे हिसाब से काफी बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि रोनाल्ड कोमन ने वही एक ही टीम को लेके इतना अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट सीजन, एंड मेरे हिसाब से उनको एक और सीजन डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड वो लोग कर लेंगे। सो कोच को अगर आप
एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मेरा ही टीम है, मैं अच्छे से डेवलप कर सकता हूँ। बट अगर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो हर कोई थॉमस टुचेल नहीं होता कि एकदम आके बहुत ही अच्छे से एक टीम को मैनेज कर ले, नहीं होता ऐसा। एंड मैं मानता हूँ कि रोनाल्ड कोमन बहुत ही कमाल के प्लेयर है, बट अगर हम लोग थॉमस टुचेल का बात करें तो एटलीस्ट चेल्सी में बहुत कमाल के प्लेयर्स थे, चेल्सी ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट किया था। बट दूसरी तरफ बार्सिलोना बहुत छोटे छोटे या फिर कॉमन साइनिंग्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, बट रिसेंटली बार्सिलोना ने 3 दिन में 3 साइनिंग कंप्लीट किया है एंड बार्सिलोना फिर से बैक ऑन ट्रैक लग रहा है, क्योंकि यू नो एक्सपीरियंस्ड एक प्रेसिडेंट आना एंड उनको पता है कि प्रॉपरली कैसे मैनेज किया जाता है। अब इससे पहले जब जुआन लपोटे प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा स्टेबल था बार्सिलोना का, एंड सिर्फ स्टेबल नहीं बहुत अच्छा था मैं बोलूंगा। बट अभी तो पता ही है कि बार्तोमियो ने जो इतना जो दिक्कत है ये सब बार्तोमियो के कारण ही है, मतलब बहुत गलत साइनिंग हुआ था उस टाइम पे। बट जो भी हो काम अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है बार्सिलोना में एंड उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट सीजन भी रोनाल्ड कोमन के अंदर बार्सिलोना का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़िया हो। सो अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैडमिंटन के बारे में। तो सैडली कैरोलिना मरीन जो कि वन ऑफ द कंटेंडर्स थे फॉर विनिंग गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स इन बैडमिंटन, वो बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से ड्यू टू एन इंजरी, लिगामेंट इंजरी बेसिकली। एंड डेफिनेटली पीवी सिंधु ने भी ये बोला कि वो भी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि कंपटीशन होना हमेशा अच्छा होता है एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है कि हाँ वो भी खुश नहीं है उस चीज से। एंड डेफिनेटली कंपटीशन देखने में मजा आता है एंड उम्मीद करते हैं कि उनका कमबैक नेक्स्ट ओलंपिक में या फिर नेक्स्ट किसी भी मेजर टूर्नामेंट में काफी ज्यादा बढ़िया हो। सो अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। तो 10,000 ओलंपिक वॉलंटियर्स, बेसिकली ओलंपिक्स में 50,000 वॉलंटियर्स को लिया गया था इस साल, एंड मतलब इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 50,000 वॉलंटियर्स को लिया गया था, बट 10,000 वॉलंटियर्स ने क्विट कर लिया है क्योंकि उनको अपना हेल्थ का चिंता ज्यादा है रादर देन टोक्यो ओलंपिक्स। सो डेफिनेटली उनका जो क्विट करने का रीजन है काफी ज्यादा एक जेन्युइन रीजन है कि हेल्थ सबसे पहले है एंड उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स। सो इसी के कारण अभी फिर से ये र्यूमर चल रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स कैंसिल हो जाएगा। बट जितना मैंने ओलंपिक कमिटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जितना भी मैंने इंटरव्यू या फिर उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट मैंने सुने यही लगता कि अगर बहुत कुछ खराब नहीं होता तो वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओलंपिक विलेज बन चुका है एंड हर एक चीज रेडी हो चुका है। तो ऑलरेडी टोक्यो में बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है, जापान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत खर्चा किया है, सो वो लोग अब तो बैक ऑफ नहीं करेंगे। सो हाँ अगर इससे रिलेटेड कोई फर्दर अपडेट आएगा तो आपको चैनल में मिल जाएगा। सो बस गाइस आज के इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल के दस बेल एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।